वेलकम टू शेफ़ शीरू, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। ये डिश मैं ऑलरेडी इसके पहले एक म्यूट वर्जन में अपलोड कर चुका हूँ, बट रिक्वेस्ट आया कि वो रेसिपी को वापस विथ वॉइस बनाया जाए। सो ये आप लोगों के लिए। इसकी तैयारी में हमने प्याज पेटल शेप में काटने हैं, टमाटर 1/4 इस तरह से कट करना है, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया पत्ती, खड़े मसालों में होल चिली, रेड चिली लेंगे, कसूरी मेथी फ्राई करेंगे पाउडर बनाने के लिए, कढ़ाई में तेल लेके गर्म करेंगे, गर्म होते ही उसमें घी ऐड करेंगे और दही को फेंट लेना है अच्छे से, व्हिप्ड कर्ड टेस्ट एनहांसर होता है बहुत अच्छा। ये हमने आज सिर्फ लेग पीसेस लिए हुए हैं। तेल और घी गर्म होते ही इसमें डायरेक्ट हमने इन्फ्यूज़ करना है चिकन पीसेस को, ऐड करना है होल रेड चिली, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और मिक्स करना है, फ्राई करना है तेज़ आंच में। याद रहे, आंच धीमी या मीडियम मत करिएगा। 5 मिनट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पेटल्स, अनियन एंड टोमेटोस। जैसे ही टोमेटो ऐड किया जाता है उसमें नमक ज़रूर डाल दीजिए ताकि अच्छे से पक जाती है डिश। और यहाँ पे हमने हमारा सिम में भुन रहा है कसूरी मेथी, उसके भुनते ही हमने इसे मींज के पाउडर बना देना है। आप देख सकते हैं कसूरी मेथी पाउडर तैयार है। 5-7 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे, पूरी तरह से टमाटर गल चुके हैं। टोंग यानी चिमटे की मदद से अगर छोटा है तो, वरना चम्मच की हेल्प से कुछ इस तरह से आप टमाटर के छिलकों को अलग कर दीजिए। कुछ कारण हैं जिस वजह से मैं बता रहा हूँ ये करने के लिए, थोड़ा अटपटा है लेकिन करिए। और सारे टमाटर मैश कर दीजिए। ये देखिए ग्रेवी कंसिस्टेंसी, ये छिलके वाले टमाटर के साथ इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी नहीं आती थी, यकीन मानिए। ढक दीजिए, फिर 5-7 मिनट पकाना है। अगर रेड वाइन पसंद है या घर में अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है पूरा। 60 ml रेड वाइन हमने इसमें ऐड करना है और अच्छी तरह मिक्स करके इसको, देख सकते हैं आप उबाल आ रहा है, फ्लेम हाई ही रखना है इसकी। और इसमें ऐड करेंगे हम मीट मसाला, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च या रेड चिली पाउडर, वाइट पेपर। ये देखिए मसाले की कंसिस्टेंसी, लग रहा है ना होटल स्टाइल। अब इसमें ऐड करना है हमें भुना जीरा या शाही जीरा, नहीं अवेलेबल है नॉर्मल जीरा डाल दीजिए, एंड गार्लिक क्लोव्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे, फ्लेवर लाजवाब आएगा। हरी ग्रीन चिली बीच से स्लिट कर दीजिएगा। और ये हमने ऊपर डाला इसके गरम मसाला, गरम मसाला बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है इसका, और फेंटा हुआ दही। देख सकते हैं ऑयल स्पाइसेस शानदार दिखने में भी लग रहे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। वीडियो में यकीनन आपको आएगी नहीं, बनाइए ज़रूर आएगी। ऐड करिए इसमें अब धनिया पत्ती, जो हमने मेथी पाउडर बनाया था वो, और ढक दीजिए। अब इसे सिम में पकाइएगा क्योंकि चिकन ऑलमोस्ट 80% कुक हो चुका है। 8-10 मिनट के बाद इसे खोल के देखिए। अगर आपको ग्रेवी इसमें चाहिए तो 1 कप पानी डाल के उस पानी को जला दीजिए आपकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से, अदरवाइज़ मैंने थोड़ा सा ड्राई बनाया है। इतना अच्छी तरह से चिकन पका हुआ है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। मसाले की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, एकदम फ्राई होके पक के बेहतरीन खुशबू जायका आपको 100% मिलेगा। गरम गरम रोटी फूली हुई टेस्ट करिए, जी भर के खाइए, और साथ ही परिवार को और अपने दोस्तों को भी खिलाइए। ये देखिए अंदर तक आप देख सकते हैं किस तरह से ये बेहतरीन पका हुआ है। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ये हमारा नया लोगो शेफ़ शीरू का। शुक्रिया।